इधर चंडीगढ़ के सेक्टर 31 कालीबाड़ी लाइट पॉइंट के पास चौराहे के बीचों बीच कांस्टेबल कुलदीप सिंह ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे बस चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कुलदीप सिंह सड़क पर गिर गए। सड़क के किनारे मौजूद सह पुलिसकर्मी कुलदीप सिंह के पास पहुंचे और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। उनकी हालत गंभीर है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले पर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये सैटरडे रात की बात है। ये प्रतीक गुप्ता 2478 नंबर सेक्टर 37 में रहते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आया हुआ था, तो उसने जाना था, तो मैं उसको छोड़ने के लिए ये जो 37, 38, 40, 41 का राउंड अबाउट है, तो वहाँ अपनी गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी में लेके गया। तो जब इसने कोई ऑटो या रिक्शे में अपने फ्रेंड को बिठा दिया तो वापस मुड़ने लगा, तो ये सेक्टर 41 ए की तरफ से कहता है अभी 4-5 लड़के आए और मेरे को गाड़ी से बाहर आने के लिए उन्होंने कहा। जब बाहर आया तो इससे चाबी छीन के और इसकी गाड़ी भगा के ले गए। तो इसका मोबाइल और इसके डॉक्यूमेंट भी गाड़ी के अंदर ही थे। तो फिर इसने किसी का मोबाइल लेके पुलिस को कॉल करी, तो हमने इसमें FIR लॉन्च कर ली है। तो बाकी इसकी तलाश कर रहे हैं, सारा CCTV फुटेज या कुछ सामने है, अब वो सारा इन्वेस्टिगेशन में आगे चेक कर रहे हैं, सारा देख रहे हैं भी जिधर को ये गाड़ी गई उस तरफ कौन सी फुटेज कोई लगी है, तो सारा चेक कर रहे हैं।